उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट का ये शहर ढहने लगा है। रातों रात 723 घरों में क्रैक्स आ गए, सड़कें टूटने लगी और जितनी जल्दी हो सके लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ जोशीमठ। जोशीमठ में जमीन धंसने से और घरों की दीवार दरकने से लोग इस वक्त मुसीबत में हैं। ये कल रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे कि किस तरीके से ये दरवाजा ही पूरा अलग हो गया है। हालात बेहद खराब है। पूरे घर में आ देखिए बड़ी बड़ी मोटी मोटी दरारें आ रही हैं, जमीन उधड़ना शुरू हो गई है। आपको क्या लग रहा है कि सरकार कुछ कर पाएगी कि आप लोग को छोड़ के जाना पड़ेगा? मुश्किल है भाई, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलेगा, खाली आश्वासन मिलेगा और बाकी कुछ नहीं। जोशीमठ जमीन से 6150 फीट ऊपर हिमालय की गोद में बसा एक शहर है। माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी तपस्या और मठ की स्थापना यहीं से की थी। और तो और भविष्य में केदारनाथ और बद्रीनाथ भी अपनी जगह बदल के यहीं पे वापस आने वाले हैं। इस जगह की इम्पोर्टेंस तो बहुत है, पर आज के समय में तो जोशीमठ खुद अपनी एग्जिस्टेंस खोने की कगार पे है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये कि अगर जोशीमठ में चीजें नहीं संभली तो सेम चीज नैनीताल, मसूरी, धरचूला और उत्तराखंड के ऐसे कई गाँव में हो सकती है। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि इन सब प्रॉब्लम्स के पीछे गवर्नमेंट के रोड्स और डैम्स हैं, जबकि गवर्नमेंट इस बात को कम्प्लीटली डिनाय करती है। अब दोनों के ही पास अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो ऐसे में किसकी गलती है और कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये समझने से पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जोशीमठ की मेन प्रॉब्लम है लैंड सब्सिडेंस की। लैंड सब्सिडेंस यानी अंडरग्राउंड मूवमेंट की वजह से जमीन का धंसना। That is the sinking of ground because of underground material movement. अब ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि earthquakes, mining, soil erosion या soil compaction. इसी land subsidence के कारण जोशीमठ के 9 municipal wards को Disaster Management Act के अंडर Disaster Affected और Unsafe for Living mark कर दिया गया है। अब पूरे जोशीमठ को 3 zones में divide कर दिया गया है। Danger zones जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, बफर जोन्स जहाँ पे खतरा तो कम है लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कम्प्लीटली फ्री जोन्स जहाँ पे एज ऑफ नाउ कोई खतरा नहीं है। अब जोशीमठ में हो रहा है लैंड सब्सिडेंस का एक बड़ा कारण है गवर्नमेंट का NTPC प्रोजेक्ट। कुछ जियोलॉजिस्ट्स ने तो ये भी बोला कि अगर इस प्रोजेक्ट को नहीं रोका गया तो जोशीमठ पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। असल में गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के अंडर तपोवन से विष्णुगढ़ तक एक 12 किलोमीटर लंबी टनल बना रही है ताकि धौली गंगा नदी के पानी को NTPC के पावर हाउस सिलांग में लाया जा सके और उससे इलेक्ट्रिसिटी बना के उसको विष्णुगढ़ स्ट्रीम से होते हुए अलकनंदा नदी में वापस छोड़ दिया जाए। ये प्रोजेक्ट पूरा करके गवर्नमेंट हर साल 2.5 TWh इलेक्ट्रिसिटी बनाने का प्लान कर रही है, पर दिक्कत यह है कि जोशीमठ किसी सॉलिड पत्थर पे नहीं बल्कि लैंडस्लाइड के मलबे से बनी चट्टान पे बना है। खैर ये बात तो 50 साल पहले 1976 में ही पता चल गई थी, जिसके बाद MC मिश्रा कमेटी ने एडवाइस किया था कि यहाँ पे हेवी कंस्ट्रक्शंस पे रोक लगा दी जाए। लेकिन NTPC का भी क्लियरली ये कहना है कि ये टनल जोशीमठ से इनफ डिस्टेंस पे है और इस टनल का और लैंड सब्सिडेंस का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन इस सब्सिडेंस की एक और बहुत ही बड़ी वजह है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज यानी इंसानों द्वारा की जाने वाली खिलवाड़। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर कलाचंद सेन का मानना है कि पिछले कुछ सालों में होटल्स और रेस्टोरेंट्स मशरूम की तरह हर तरफ उग गए हैं और रहने वालों और घूमने आने वालों का क्राउड भी बढ़ता ही जा रहा है, जो कि मेजर रीजन हो सकता है जिससे जोशीमठ के सॉइल पर प्रेशर पड़ रहा है। सुनने में तो ये भी आया है कि यहाँ पे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस के परमिट्स बिना किसी एडिक्वेट चेक के ही पास कर दिए गए हैं और इस लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग की वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई है। पर जोशीमठ की इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सेस्मिक जोन 5 में आता है, यानी इंडिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन जोन। एक्चुअली में इंडिया में 4 तरीके के अर्थक्वेक जोन्स हैं, Zone 2, Zone 3, Zone 4 और Zone 5, जिसमें Zone 5 सबसे ज्यादा डेंजरस है और जोशीमठ उसी एरिया में लाया करता है। अब Zone 5 में होने के कारण अर्थक्वेक की प्रॉब्लम तो है ही, पर यहाँ पे वाटर परकोलेशन की पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा है, जिससे अगर अभी सही स्टेप्स नहीं लिए गए तो विथ टाइम इसके सॉइल का वीक होना फिक्स है। यहाँ पे वाटर परकोलेशन का एक और बड़ा रीजन है पुअर ड्रेनेज मैनेजमेंट सिस्टम।
और आई शुड से कि ड्रेनेज मैनेजमेंट सिस्टम है ही नहीं। लोग अपने घर के नीचे सोक पिट्स बनाते हैं और उन सोक पिट्स से पानी फिर सॉइल में जाता है, जिससे सॉइल फिर लूज होता जाता है। कुछ लोगों ने तो वाटर परकोलेशन को भी एनटीपीसी से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि एनटीपीसी जब वो टनल बना रही थी तो उन्होंने एक एक्वीफर पंचर कर दिया, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है। बट अगेन एनटीपीसी इन सारे एलिगेशंस को क्लियरली डिनाई करता है। वैसे तो 723 से भी ज्यादा घरों में क्रैक्स आ गए हैं, पर गवर्नमेंट अभी सिर्फ इन दो होटल्स को गिराने वाली है, होटल माउंट व्यू और होटल मलारी, क्योंकि ये एक दूसरे पे लद चुके हैं और कभी भी किधर भी गिर सकते हैं। अब लोगों का एक डर ये भी था कि कहीं हमारे भी घर तो नहीं टूट जाएंगे, तो ऐसे में गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं, अभी आपके घर नहीं तोड़े जाएंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो वह एप्लीकेशन लिख के अपना घर डिसमेंटल करवा सकता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी जैसे कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जोशीमठ को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला जा सके। यहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रोक दी गई है और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ रीप्लांटेशन का काम भी किया जाना है। पर जोशीमठ के लोगों की प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। आज जोशीमठ में स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। हम लोगों के लिए स्नोफॉल बहुत फैंसी सी चीज होती है, पर जोशीमठ के लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन के आया है। लेट्स होप कि इन लोगों की प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय।